माई डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू आर वेल एंड गुड। तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में एपी भी बोलते हैं। नाउ अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस होता क्या है? अगर हम डेली डे टू डे लाइफ में भी अगर हम एग्जांपल की बात करें, तो आपने बहुत सी जगह देखा होगा कि कोई भी चीज़ होती है वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो करती है, मतलब एक क्रम फॉलो करती है। जैसे कि आपने देखा होगा घर पे लैडर, देखा होगा सीढ़ियाँ, वो आपका हर एक स्टेयरकेस एक पर्टिकुलर डिफरेंस के बाद, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद ही लगा हुआ होता है। तो वैसे ही अगर कोई भी पर्टिकुलर चीज़ किसी भी एक पैटर्न को फॉलो करती है तो हम उसे बोलते हैं सीक्वेंस। जैसे हम नंबर्स की बात करते हैं तो हमारे मैथ्स में आप देखो 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो ये नंबर्स हैं ये आपके फॉलो कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पैटर्न। क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं? कि जो आपका सेकंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर पे 2 इंक्रीज होके बाद में आया है। जैसे कंसेक्यूटिवली थर्ड नंबर को देखेंगे तो इसमें भी जो आपका सेकेंड नंबर है इससे आपका +2 ऐड हुआ है एंड सो ऑन। दैट मीन्स हर बार ये +2 ऐड होके आप नेक्स्ट नंबर तक जा सकते हैं। दैट मीन्स ये एक क्या है, सीक्वेंस है। नाउ सिमिलरली हम बात करते हैं जैसे 3 की पावर 0, 3 पावर 1, 3 पावर 2 एंड 3 पावर 3 सो ऑन। तो इस केस में भी आप ये देखेंगे कि जो आपके पास पावर्स हैं वो एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। आप अगर बिना कोई फार्मूला यूज़ किए भी आप इसके बाद का जस्ट बाद में जो भी डिजिट आएगा आप बता सकते हैं क्या डिजिट आएगा। जैसे 3 पावर 0 है, 1, 2, 3 एंड इसके बाद आएगा आपका 3 पावर 4 एंड सो ऑन। तो ये जो आपका पर्टिकुलर सीरीज जो बता रही है ये आपकी क्या हो गई, सीक्वेंस हो गई है। अब हम आते हैं एपी पे। अगर कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस एक पर्टिकुलर डिफरेंस के साथ रहता है थ्रू आउट तो उसे हम कहते हैं एपी। जैसे सपोज 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। दैट मीन्स 1, 3, 5, 7 इन सब में आप देख सकते हैं डिफरेंस कितने का है आपके पास, +2 का। दैट मीन्स इफ एनी सीक्वेंस हैविंग द सेम डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव नंबर्स देन दैट सीक्वेंस इज नोन एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। नाउ देखो आप यहां पे आपका +2, +2, +2 दैट मीन्स कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, आपका सेम है। नाउ डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जैसे आपके ये नंबर्स दे रखे तो इसमें आप हमेशा क्या करेंगे, ये होता है आपका फर्स्ट टर्म, लेट दिस बी T1, दिस इज T2, T3 एंड T4 एंड सो ऑन। अब अगर ये आपको प्रूफ करना है कि वेदर दिस सीक्वेंस इज एन एपी और नॉट, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डिफरेंस फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, डिफरेंस, और उसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से। डी इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द सीक्वेंस, कॉमन डिफरेंस। नाउ कॉमन डिफरेंस आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, कोई भी टर्म उससे पहले वाले टर्म को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है तो आपने सपोज टर्म लिया है T3, दैट मीन्स T3 विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम T2। दैट मीन्स जो नंबर आप सेलेक्ट कर रहे हैं, जो टर्म आप सेलेक्ट कर रहे हैं उससे जस्ट पहले वाले टर्म को आप यूज लेंगे और उसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। T3 - T2 दैट मीन्स एनी नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स प्रीवियस नंबर। ओके, सो दिस विल बी योर डिफरेंस। And if this difference is same throughout this sequence, that means जो difference है आपका common difference वो पूरे sequence में same है, that means वो sequence क्या है आपका, एक AP है। Okay, so foremost condition क्या हो गई है आपके पास में, कि अगर कोई sequence particular constant difference के साथ में move कर रहा है तो आपका वो sequence क्या होगा, AP होगा। Hope so आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ कॉन्स्टेंट डिफरेंस एपी। नाउ इसके बाद में हम जनरल टर्म्स होती हैं जो एपी में यूज आती हैं, तो हम जनरल टर्म्स की बात कर लेते हैं पहले, विच आर यूज इन एपी। नाउ फर्स्ट इज ए,
ए हम किससे बोलते हैं, जो आपका फर्स्ट टर्म होगा एपी में, अगर कोई भी सीक्वेंस दे रखा है जो एपी में है, तो हम उसकी फर्स्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से। देन सेकंड थिंग इज डी विच इज द कॉमन डिफरेंस, ओके। नाउ सपोज इफ इट इज गिवन दैट ए वन कॉमा ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव एंड सो ऑन, इट इज एन ए पी, इट इज ऑलरेडी गिवन कि ये एक आपका ए पी है। तो इसके लिए क्या होगा, आपका जो फर्स्ट टर्म है ए वन, उसे आप क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। दैट मीन्स ए वन इज इक्वल्स टू ए। नाउ इट इज गिवन कि दीज आर इन ए पी, अगर ये आपको गिवन है एपी में, तो आपका ए टू क्या होता है, हम कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स में क्या होता है कि अगर आपको सेकेंड टर्म लिखना है तो आप क्या करोगे, फर्स्ट टर्म में डिफरेंस ऐड करते हैं। तो अगर हमें ए टू फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, ए वन प्लस द कॉमन डिफरेंस। अगर हमें ए टू फाइंड करना है तो हम ए वन में डिफरेंस को ऐड करेंगे, यस और नो। देन अगेन ए थ्री आपको फाइंड करना है तो आप ए थ्री में कैसे मूव करेंगे, यहां से भी अगर ये एपी में है तो आप इसमें क्या करेंगे, प्लस द डिफरेंस। दैट मींस ए थ्री विल बी रिटन एज ए टू प्लस द कॉमन डिफरेंस। नाउ ए थ्री कैन बी रिटन एज ए टू, आप कैसे लिख सकते थे, ए टू कैन बी रिटन एज ए वन प्लस डी, एंड इंस्टेड ऑफ ए वन इट कैन बी रिटन एज ए, सो ए प्लस डी, दिस इज रिटन एज ए टू एंड दिस डी एज इट इज, ओके। सो ए थ्री विल बी ए प्लस डी प्लस डी, दैट मीन्स ए प्लस टू डी। सो ए थ्री कैन बी रिटन एज ए प्लस टू डी, यस और नो। नाउ सिमिलरली ए फोर, ए फोर कैन बी रिटन एज ए थ्री प्लस डी, ए थ्री प्लस डी द कॉमन डिफरेंस। Now a3, how we can write a3? a3 can be written as a plus 2d. So a4 can be written as a plus 2d. And this difference, so it is a4 is a plus 3d. And so on, we can write the numbers. Now we come to the questions. किस type के questions आते हैं आपके पास? फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन होता है, अगर आपको कोई भी टर्म्स गिवन है और आपको ये प्रूफ करना है कि आप इसकी फर्स्ट टर्म और इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड कीजिए। जैसे फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हैं हमारे पास में, टाइप फर्स्ट, वन थ्री वन फाइव नाइन थर्टीन एंड सो ऑन। नाउ इसमें फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में यू हैव टू फाइंड the first term and the common difference. So first term is the 1, because whichever is the first term of the sequence is the your first term. So value of the first term, that is a, is 1. Now we have to find out the common difference. We have to find out the common difference. Common difference means second term minus first term, difference of the two consecutive numbers, any number and its previous number should be subtracted. That means 5 minus 1, that it is 4. So here the common difference D is 4 and A is 1. Similarly, we can find out the another way. Second question, if it is 10, 7, 4 and so on, and AP is given. अब आपको इसमें बोला है कि आप इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो इसमें आप देखिए, फर्स्ट टर्म है आपका 10 एंड द कॉमन डिफरेंस, सो इफ ए वन ए टू ए थ्री एंड सो ऑन, सो फॉर द कॉमन डिफरेंस ए टू माइनस ए वन, दैट मीन्स ए टू डिफरेंस इज ए टू माइनस ए वन, दैट मीन्स 7 माइनस 10 and the difference is minus 3.
दैट मीन्स हम क्या सीख रहे हैं कि जो डिफरेंस है इट कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो एंड द डिफरेंस कैन बी नेगेटिव ऑल्सो. सो आपको जो आपका नेगेटिव साइन है उसे इग्नोर नहीं करना है. ओके, नाउ डिफरेंस पॉजिटिव कब होगा? जब आपकी एपी होगी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी. दैट मीन्स जो आपकी आगे की जो टर्म्स लिख रहे हैं हम वो हमेशा इंक्रीज हो रही है. और नेगेटिव डिफरेंस कब आएगा? जब आपकी एपी क्या हो रही है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में मूव कर रही है. उस केस में हमारी जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा. नाउ ये आपके फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस थे. नाउ हम सेकंड टाइप के क्वेश्चंस की बात करते हैं. नाउ सेकंड टाइप के क्वेश्चंस में आपको फर्स्ट टर्म गिवन होगी और कॉमन डिफरेंस गिवन होगा और उसके बाद आपको नंबर ऑफ टर्म्स लिखनी है किसी भी गिवन एपी में. दैट मींस फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी इज गिवन. नाउ फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी इज गिवन और उसके बाद में आपको बोला जाएगा कि फाइंड द नेक्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एन एपी. तो आपका फर्स्ट टर्म सपोज इट इज गिवन दैट ए इज इक्वल्स टू 5, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. एंड ये गिवन है डी इज इक्वल्स टू 4, ए इज 5 एंड डी है वो आपको 4 गिवन है. तो उस केस में अब आपको बोला गया है कि जस्ट फाइंड आउट द फोर नेक्स्ट टर्म ऑफ एन एपी. तो आप फोर टर्म्स फाइंड करनी है. तो आप फर्स्ट टर्म क्या होता है हमारा ए, सेकंड टर्म क्या होता है ए प्लस द डिफरेंस, देन ए प्लस द 2 टाइम्स ऑफ डिफरेंस एंड ए प्लस द 3 टाइम्स ऑफ द डिफरेंस. यही आपकी फोर टर्म्स फाइंड कर सकते हैं आप. अब ये कहां से आया ये हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं. a3 को क्या लिख सकते थे? a2 प्लस डी एंड a2 कैन बी रिटन एज a1 प्लस डी और वहां से आप डायरेक्टली. तो आपको ये जो आपको फॉर्मेट गिवन है ये आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी जनरल टर्म्स हैं एपी की वो किस ऑर्डर में होती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी. नाउ फर्स्ट टर्म इज 5, ए इज ऑलरेडी गिवन. नाउ सेकंड टर्म वी हैव टू फाइंड. सेकंड टर्म के लिए क्या गिवन है? ए प्लस डी. दैट मीन्स सेकंड टर्म विल बी 5 प्लस 4. नाउ थर्ड टर्म, दैट मीन्स 5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंड द फोर्थ टर्म विल बी 5 प्लस 3 टाइम्स द डिफरेंस. सो फर्स्ट टर्म इज 5, 5 प्लस 4 इज 9, 4 टू ज़ा 8, 8 प्लस 5 इज 13 एंड 4 थ्री ज़ा 12, 12 एंड 5 इज 17 एंड सो ऑन. तो ये आप कॉमन डिफरेंस गिवन था आपको और फर्स्ट टर्म गिवन थी तो आपकी ये एपी हो जाएगी. दिस इज द रिक्वायर्ड एपी 5, 9, 13, 17 एंड सो ऑन. नाउ आपका जो डिफरेंस है वो नेगेटिव भी हो सकता है, फर्स्ट टर्म नेगेटिव भी हो सकती है. अब आपका ऑर्डर ये होगा कि जो आपका डिफरेंस अगर पॉजिटिव गिवन है तो आपका जो एपी आएगा वो हमेशा क्या आएगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर का आएगा. नाउ थर्ड टाइप के क्वेश्चंस आपके, कोई भी आपको सीक्वेंस गिवन होगा और आपको ये बताना होगा कि वेदर द गिवन सीक्वेंस इज इन एपी और नॉट. जैसे कि आपको फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस यू हैव टू चेक वेदर इट इज इन एपी और नॉट. यू हैव टू चेक वेदर इट इज इन एपी और नॉट. नाउ सपोज फर्स्ट 3, 6, 9, 12, 15 and so. You have to check that this given sequence is in AP or not. तो अगर आपको ये check करना है कि जो आपका sequence है वो AP में है या नहीं है तो उसके लिए आपको क्या करना है? हमेशा आप ये check करेंगे कि जो आपका common difference है वो क्या होना चाहिए? Throughout the same रहना चाहिए. अब common difference कैसे find करते थे हम? अगर हमें common difference find करना है तो उसके लिए हम first term को leave करेंगे, उसे नहीं देखेंगे. Second term minus first term, third term minus second term, fourth term minus third term, fifth term minus fourth term. That means किसी भी number को आप select करेंगे और उससे just previous जो
टर्म है आपका, आप उसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे हमेशा कॉमन डिफरेंस के लिए. सो योर कॉमन डिफरेंस विल बी ए टू माइनस ए वन, दैट मीन्स 6 - 3 विच इज इक्वल टू 3. नाउ अगेन a3 - a2, दैट मीन्स थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, 9 - 6 विच इज 3. अगेन द कॉमन डिफरेंस a4 - a3, दैट मीन्स 12 - 9 विच इज अगेन 3. एंड अगेन द कॉमन डिफरेंस a5 - a4 विच इज 15 - 12 विच इज अगेन 3. दैट मीन्स इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में जो आपका कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो हमेशा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है. दैट मीन्स जो आपको ये गिवन सीक्वेंस है इट इज इन ए पी. वाई? बिकॉज एवरी टाइम द कॉमन डिफरेंस हियर इज 3. सो अगर किसी भी सीक्वेंस में जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, वो अगर सेम रहता है आपका थ्रू आउट, तो उस केस में आपका वो जो सीक्वेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, ए पी में होगा. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हम. सेकेंड टाइप, सपोज इट इज ए 2a 3a 4a. नाउ आपको ये चेक करना है कि वेदर दिस इज एन ए पी और नॉट. तो इस केस में आप क्या करेंगे, फिर से ये चेक करेंगे कि जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो सेम है या नहीं है. अब वो आप कैसे चेक करेंगे, अगेन सेम, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म. अगर थ्रू आउट आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम रहता है, दैट मीन्स द गिवन सीक्वेंस इज इन ए पी. दैट मीन्स जो सीक्वेंस है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो आपका सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, ए पी में होगा. नाउ डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगेन फर्स्ट टर्म को नहीं देखेंगे हम, सिर्फ सेकेंड माइनस फर्स्ट, दैट मीन्स 2a - a, अगेन a3 - a2, दैट मीन्स 3a - 2a. सिमिलरली a4 - a3, दैट मीन्स 4a - 3a, दैट मीन्स a. दैट मीन्स द डिफरेंस इज सेम थ्रू आउट द सीक्वेंस. दैट मीन्स जो डिफरेंस है वो आपका क्या है, सेम है. अब डिफरेंस सेम है, दैट मीन्स द गिवन सीक्वेंस इज इन ए पी. तो जो आपका सीक्वेंस गिवन है वो ए पी में होगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और. अब देखें सेकेंड, √2, √8, √18, and √32. Now, in this case, you have to check whether the given sequence is in AP, and if it is in AP, then find the fourth terms also. So, इस केस में हम क्या करेंगे? देखें आप, first term is √2. Now, 8 root can be written as 4 into 2. 8 root can be written as 4 into 2. यहां समझे आप, 8 root 8 कैन बी रिटन एज 4 into 2. नाउ √4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, सो दिस कैन बी रिटन एज 2. 4 इज द परफेक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ 2, सो 2 कैन बी टेकन आउट एंड इट कैन बी रिटन एज 2√2. ओके, सो 8√2 कैन बी रिटन एज 2√2. √18 इट कैन बी रिटन एज 9 into 2, and 9 into 2, that means 9 is the perfect square of 3. So, it can be written as 3√2, and it can be written as 4√2, because it is also 16 into 2, and the 16 is the perfect square of 4. So, 4 into √2. Now, you have to find out the common difference. Now, common difference can be find out again, a2 minus a1, a3 - a2, and a4 - a3. So in this case the common difference is 2√2 - √2, so it can be written as √2. Yes or no? So the common difference is √2. √2 + √2 is 2√2, 2√2 + √2 is 3√2, and 3√2 + √2 is 4√2.
एंड सो ऑन, दैट मीन्स दिस गिवन सीक्वेंस इज इन एपी. नाउ इफ दिस इज इन एपी, सो राइट द फोर कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑल्सो आफ्टर दिस. सो आफ्टर दिस रूट ए फाइव कैन बी रिटन एज फोर रूट टू एंड प्लस द कॉमन डिफरेंस, यस और नो, ए फोर प्लस डी. सो इट इज फाइव रूट टू. नाउ ए सिक्स कैन बी रिटन एज सिक्स रूट टू, ए सेवन कैन बी रिटन एज सेवन रूट टू एंड ए एट कैन बी रिटन एज एट रूट टू. नाउ सिक्स रूट टू, सिक्स रूट टू है वो आपका, जो आपको क्वेश्चंस में दे रखे हैं वो आपको रूट थर्टी टू एंड सो ऑन दे रखा है. तो आपको जो आंसर देना है वो इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, यह हमने चेंज किया है. तो आप क्या करेंगे, सिक्स रूट टू. नाउ सिक्स रूट टू फर्स्ट, फाइव रूट टू, फाइव रूट टू को आप कैसे लिखेंगे, जब आपका फाइव बाहर है, जब आप इसे स्क्वायर में रूट में लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ट्वेंटी फाइव एंड ट्वेंटी फाइव इंटू टू इज फिफ्टी. सो दिस कैन बी रिटन एज रूट फिफ्टी. नाउ सिक्स रूट टू, सिक्स जब आप इसको रूट के अंदर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, थर्टी सिक्स एंड थर्टी सिक्स इंटू टू इज अंडर रूट सेवेंटी टू एंड दिस इज सेवन, सेवन का स्क्वायर क्या होता है, फोर्टी नाइन. सो रूट के अंदर क्या होगा, फोर्टी नाइन, फोर्टी नाइन इंटू टू क्या हो जाएगा, रूट नाइन्टी एट. नाउ एट, एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर, सिक्सटी फोर इंटू टू करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, रूट वन ट्वेंटी एट. 64 into 2 is 128. So the next four terms are root 50, root 72, root 98 and root 128. So आपके three types के questions कर लिए हम. ये normal basics से questions हैं जो आपके exam point of view से important रहता है थोड़ा. Now हम बात करेंगे general term of an AP. Now, general term of an AP. General term of an AP की बात करेंगे तो इसके लिए हम पहले एक example. Suppose किसी भी institution में कहीं पे भी कोई employee. अब उस employee की कोई ऐसा तो नहीं है कि हर बार salary होगी वो एवरी मंथ इंक्रीमेंट होगी. सो ईयरली उसका इंक्रीमेंट होगा. नाउ इनिशियली जो उसकी फर्स्ट ईयर की जो सैलरी दे रखी है, जो फर्स्ट ईयर उसे जो सैलरी मिल रही है वो आपकी सपोज कर लेते हैं 20,000. फर्स्ट ईयर जो सैलरी मिल रही है वो 20,000 है. देन अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ कंपनी, कंपनी के हिसाब से आपको एवरी ईयर थाउजेंड रुपीज का क्या होगा, आपका इंक्रीमेंट होगा. Every year you will be getting an increment of 1000 rupees. 1000 rupees होंगे वो हर साल आपके सैलरी में इंक्रीज होंगे. तो आपके जो फर्स्ट ईयर की सैलरी है वो 20,000 है. नाउ सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग में आपको जो सैलरी मिलेगी वो क्या होगी, जो फर्स्ट ईयर में मिल रही थी वो तो मिलेगी, 20,000 विल बी फिक्स एंड प्लस द इंक्रीमेंट, दैट मीन्स 1000 रुपीज विल ऑल्सो इंक्रीज, दैट मीन्स इट विल बी 21,000. That means जो सेकेंड ईयर में सैलरी मिलेगी वो कितनी होगी उनकी, 21,000. Now थर्ड ईयर की बात करते हैं, थर्ड ईयर की बात करते हैं तो थर्ड ईयर में तो पहले कौन कितना सैलरी मिल रहा था, 21,000. अब इंक्रीमेंट होगा वो 21,000 पे होगा. ओके, दैट मीन्स 21,000 वॉज ऑलरेडी देयर और आपको 1000 रुपीज हैं वो और इंक्रीमेंट हो जाएंगे. That means जो आपकी थर्ड ईयर की सैलरी होगी वो कितनी हो जाएगी, आपकी 22,000. सिमिलरली फोर्थ ईयर की बात करें हम, दैट मीन्स 22,000 तो ऑलरेडी एंड प्लस 1000, दैट मीन्स 23,000. दैट मीन्स जो फर्स्ट ईयर की सैलरी थी वो 20,000 थी, उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ आपका 1000, देन On the second year you will be getting 21,000, third year से आपको 22,000 मिलेंगे और उसके बाद में 23 and so on. Now if I say find the salary of the 20th year, that means
20th ईयर में इंक्रीमेंट के बाद में आपकी सैलरी कितनी होगी। तो अगर हम इसी प्रोसेस से जाएंगे तो इट विल बी मच मोर लेंथियर, दैट मीन्स हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उसके लिए हम क्या फाइंड करते हैं, जनरल टर्म फाइंड करते हैं। दैट मीन्स अगर कोई भी चीज़ एपी फॉलो कर रही है, दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस है। अब यहाँ पे देखो आप 1000 है वो हमेशा क्या है डिफरेंस में। जो आपकी फर्स्ट सैलरी है वो क्या है 20,000 है, देन सेकेंड सैलरी इज 21,000, देन 22 एंड देन 23। अब आप यहाँ पे देखिए तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 1000 का, दैट मीन्स एपी फॉलो हो रहा है, यस और नो, बिकॉज देयर इज द कॉमन डिफरेंस। अब आपको बोला है कि 20th ईयर के लिए फाइंड करो, तो आप 20 हमने पहले पढ़ा था, जो 20th ईयर के लिए आप क्या लिख सकते हैं, A20 कैन बी रिटन एज A+19D। हाउ, हम क्या लिखते थे, फर्स्ट टर्म क्या होता था हमारा A, सेकेंड टर्म A+D, दैट मीन्स थर्ड टर्म क्या लिखते थे हम A+2 times ऑफ डिफरेंस, फोर्थ टर्म क्या लिखते थे A+3 times ऑफ डिफरेंस। सो 20th टर्म के लिए हम क्या लिख सकते हैं A+19D। नाउ A दैट मीन्स द फर्स्ट एंड द डिफरेंस इज दिस 1000। सो अब A पता है आपको, D पता है, तो आप 20th ईयर की फाइंड कर सकते हैं। अब हमें बात करते हैं nth टर्म की, nth टर्म दैट मीन्स कोई भी जनरल टर्म। nth टर्म के लिए क्या होगा, अगर आप ये लिख सकते हैं तो हम ए एन को क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट 20 की बात करते हैं तो हमने क्या लिखा है 20 A+19D। अब ये कैसे आया है, आपने कैसे लिखा है इसको A20 को A+20-1 एंड द डिफरेंस। सिमिलरली अगर हम यहां बात करते हैं A4, तो आपने A4 को कैसे लिखा है A+4-1 × D। अगर हम ये तो नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर लेते हैं कि हम 20th फाइंड करनी है, हमें 4th फाइंड करनी है, अगर हमें nth फाइंड करनी है तो nth के लिए भी वही रूल होगा, दैट मीन्स A+N-1 × D, बिकॉज हियर इट इज n, सो n-1 × D। सो दिस इज द जनरल टर्म ऑफ एन एपी एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑल्सो। अगर आपको 20th टर्म फाइंड करनी है, दैट मीन्स n की वैल्यू क्या हो जाएगी 20, सो A+20-1 × 19 एंड d, सो A20 कैन बी रिटन एज, सो दिस इज द जनरल टर्म। इस जनरल टर्म से आप कोई भी फाइंड कर सकते हो। सपोज आई सेड 100 टर्म फाइंड करनी है, दैट मीन्स A100 फाइंड करना है, तो उसके केस में क्या होगा, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 100, दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्म कौन सी फाइंड करनी है 100, सो 100 A+100-1 × D, दैट मीन्स A+99D। ओके, नाउ दिस इज द जनरल टर्म। नाउ अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं हम। Now it is given that suppose an AP is given 4, 9, 14, 19 and so on. It is given it is an AP. आपको बोला गया है find the 30th term, that means you have to find A30. And also said that find the nth term of this AP. Okay, so सबसे पहले आप क्या करेंगे, this is first type of questions. AP given है तो आपका A30 find करना है और nth term find करना है। तो आपका जो first है, A की value क्या है हमारी, that means first term 4. Now A is 4. Now 9 is the second term, थर्ड टर्म, सो आप कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। कॉमन डिफरेंस A2-A1, दैट मीन्स 9-4, आदमी कॉमन डिफरेंस इज A2-A1, A2 इज 9, 9-4, सो कॉमन डिफरेंस इज 5। हेयर ऑल्सो 14-9 इज ऑल्सो 5, 19-14 इज ऑल्सो 5। सो यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट डिफरेंस वंस ओनली, बिकॉज अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी कि गिवन सीक्वेंस है वो AP में है, तो सिर्फ आप एक बार ही कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। नाउ
ए है आपको पता, डी पता है आपको। नाउ ए थर्टी फाइंड करना है। ए थर्टी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? ए थर्टी के लिए हम क्या करते हैं, ए थर्टी को हम कैसे लिखते हैं, ए प्लस 29 डी। सो ए थर्टी विल बी, ए की वैल्यू पुट कर देंगे आप 4 प्लस 29 इंटू 5। सो ए थर्टी विल बी ना 29 इंटू 5, 5 नाइन 45, 4 प्लस 145। नाउ इंटू 5 के लिए हम क्या कर सकते हैं, 29 इंटू 10 कर सकते हैं, 290, 290 बाई 2 करेंगे तो आपके पास 145 शॉर्ट में। नाउ 145 माइनस प्लस 4 इज 149। सो ए थर्टीथ टर्म हमने फाइंड कर लिया है, ए थर्टीथ वो क्या है आपका 149। अब कैसे फाइंड किया है हमने, ए थर्टी को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 29 डी, बिकॉज हमें क्या दे रखा है, ये एक ए पी गिवन है। सो 38 टर्म को हम ए प्लस 29 डी लिख सकते हैं। नाउ ए की वैल्यू क्या है हमारे पास में, 4, एंड द कॉमन डिफरेंस इज 5। तो हमने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है और उसके बाद में रिजल्ट कैलकुलेट किया है। नाउ ए 30। नाउ सेकेंड थिंग हमें क्या फाइंड करना है, ए एन। नाउ ए एन मीन्स जनरल टर्म फाइंड करना है। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। नाउ ए गिवन है हमें, ए इज 4 प्लस एन माइनस 1 एंड डी इज 5। सो 4 प्लस मल्टीप्लाई दिस ब्रैकेट विद 5, 5n माइनस 5। सो 4 माइनस 5 इज माइनस 1, सो इट कैन बी रिटन 5n माइनस 1। सो ये जो आपका होगा ये जनरल टर्म होगा, ये होगा वो आपका जनरल टर्म होगा। ओके, सो सपोज दिस इज द ए एंथ टर्म। नाउ ए एन टर्म मीन्स द जनरल टर्म ऑफ एन ए पी। सपोज हम चेक करने कि हमारा जो ए एंथ टर्म है वो क्या है, करेक्ट है या नहीं है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। एन मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स। अगर आपको सेकेंड टर्म की बात करते हैं, हम सेकेंड टर्म क्या है आपकी 9, तो हम एन की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा ए टू, एंड 5 इंटू 2 इज 10, 10 माइनस 1 इज 9। सो आपकी जो nth टर्म है वो क्या है, सही है। ओके, दिस इज द ऑफ द फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस थे आपके। नाउ हम बात करते हैं सेकेंड टाइम के। नाउ सेकेंड टाइम एन ए पी इज गिवन 3, 15, 27, एंड यू हैव टू फाइंड दैट विच टर्म ऑफ दिस ए पी इज 639। दैट मीन्स आपको ए पी गिवन है और आपको ये बोला गया है कि आपको ये फाइंड करना है कि 639th टर्म है वो कौन सी है आपके एपी की। तो आप 639 टर्म फाइंड करनी है, दैट मींस आपको क्या फाइंड करना है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। यू हैव टू फाइंड कि कौन सा नंबर ऑफ टर्म एन फाइंड करना है। नाउ अगर हम बात करते हैं, बोल देते हैं कि यहां से लेके लास्ट टर्म हमारा 639 है, दैट मींस फर्स्ट टर्म इज 3, सेकंड 27 एंड लास्ट इज 639। आपको क्या फाइंड करना है कि ये टर्म कौन सा है। तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, जनरल टर्म ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। नाउ हमें क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है। यहाँ पे आपका 39 हो जाएगा और यहाँ तक आप ये ए पी गिवन है, आपको बोला गया है कि 639th टर्म कौन सा होगा। तो ए एंथ, तो हमारा लास्ट टर्म क्या है आपका 39, उसके बाद में आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स। नाउ ए इज 3, नंबर ऑफ टर्म्स आपको फाइंड करना है और जो कॉमन डिफरेंस है वो आपका 15 माइनस 3 इज 12। नाउ हम इसे सॉल्व करेंगे, ए एन इज इक्वल्स टू 3 प्लस एन माइनस 1 इनटू डी, 12n माइनस 12, 3
इट विल बी 12n एंड माइनस 9 an. an मीन्स हम जनरल टर्म. नाउ जो हमका जनरल टर्म है हमारा वो क्या है आपका 639. दैट मीन्स जो लास्ट टर्म है वो हमें क्या गिवन है 639. नाउ 9 को इधर ट्रांसफर करेंगे आप, सो 639 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 12n. सो n 639 इज 648 इज इक्वल्स टू 12n. सो वैल्यू ऑफ n विल बी 648 डिवाइडेड बाय 12. सो n विल बी 4 3s are 12, 4 1s are 4, 4 6s are 24, and 4 2s are 8, 3 1s are 3, 5s are 15, 4s are 12. सो नंबर ऑफ, सो n इज इक्वल्स टू 54. दैट मीन्स जो आपका 54th टर्म होगा इस एपी का वो आपका क्या होगा 639. नाउ कैसे सॉल्व किया हमने एक बार फिर से देख लो कि एपी गिवन है हमें एंड आपको ये फाइंड करना है कि जो 639th टर्म है वो कौन सा है नंबर, कौन से नंबर पे वो सिचुएटेड है. तो उसके लिए हमने क्या फॉर्मूला, एक ही जनरल फॉर्मूला है हमारे पास में, एंथ टर्म इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी. नाउ इस केस में ए गिवन है हमें 3, एन वी हैव टू फाइंड इट आउट एंड डी इज ऑल्सो गिवन, डी भी गिवन है. नाउ एंथ मीन्स जो लास्ट टर्म आपको 639th गिवन है, nth टर्म गिवन है हमें, हमें क्या फाइंड करना था नंबर ऑफ टर्म्स और हमने इसे फर्दर सॉल्व कर लिया. सो हमारा जो 54th टर्म होगा इस एपी का वो आपका क्या होगा 639. ओके नाउ हम बात करते हैं सेकेंड टाइप के क्वेश्चन की. Now suppose it is given that third term of an AP is 12. That means A3 is 12 and also given that 50th term of an AP is 106. Then it is told that find the 29th term. That means you have to calculate the 29th term. That means आपको third term है किसी AP की वो given है 12. 50 टर्म दैट मीन्स A50 लिख सकते हैं. A50 इज गिवन एज 106 और आपको बोला गया है कि A29 फाइंड करना है. दैट मीन्स A29 फाइंड करना है. दैट मीन्स A29 कैन बी रिटन एज A प्लस 28D. A29 को A प्लस 28D लिख सकते हैं. नाउ A29 फाइंड करना है तो उसके लिए आपको पहले क्या वैल्यू फाइंड होनी चाहिए, A की और बाद में D की. अगर A और D आप फाइंड कर लोगे तो उसके बाद में आप वैल्यूज यहाँ सब्सटीट्यूट करोगे तो A29 आ जाएगा. नाउ हमें क्वेश्चन में गिवन क्या चीज़ है, दो चीज़ गिवन है, A3 एंड A50. नाउ हम इन दोनों की हेल्प से A और D फाइंड करेंगे और उसके बाद में हम इनमें सब्सटीट्यूट करके हमारा रिजल्ट ले लेंगे. नाउ A3 सॉल्यूशन पे आ जाते हैं. A3 क्या है, A प्लस 2D एंड A50 को आप क्या लिख सकते हैं, A प्लस 49D. अगर ये इक्वेशन 1 है और इसे हम मार्क कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2. अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है. दो इक्वेशंस हैं और दो अननोन वेरिएबल्स हैं. हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके A और D की वैल्यू फाइंड करेंगे. नाउ A3 इज गिवन एज 12. दैट मीन्स A प्लस इज इक्वल्स टू 12, इन्हें रीराइट कर रहे हैं इक्वेशंस को. एंड ए प्लस 49D है, दैट मीन्स A50 वो हमें गिवन है आपको 106. नाउ अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, दैट मीन्स इक्वेशन नंबर 1 और द इक्वेशन नंबर 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, दैट मीन्स सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, साइन चेंज हो जाएंगे, A माइनस A कैंसिल, 2D माइनस 49D दैट मीन्स माइनस 47D एंड 106 माइनस 106 प्लस 12 दैट मीन्स इट विल बी 90. 106 माइनस 10 इज 96 एंड 94.
and it will be also negative sign. So minus 47d equal to minus 94. Now this minus and this minus cancel, so d will be 94 upon 47. That means 2. That means common difference is 2. Now common difference we know. अब उससे पहले आपको क्या फाइंड करना होगा, ए, दैट मींस फर्स्ट टर्म. नाउ अब आप फर्स्ट टर्म कैसे फाइंड करेंगे, कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू है, आप उसे क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर लेंगे. मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करते हैं, दैट मींस ए थ्री इज इक्वल्स टू ए प्लस टू डी. नाउ ए थ्री इज गिवन एज 12, ए वी हैव टू फाइंड एंड डी वी नो दैट इट इज 2. सो 12 is equals to a plus 4, so 12 minus 4 is equals to a, so a आपका हो गया 8. इस 4 को यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, minus 4, 12 minus 4 is 8. Now आपके पास फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है. अब आप 29th टर्म फाइंड कर सकते हैं. 29th टर्म को हम क्या लिख सकते थे, a plus 28d. Now a plus 28d, so a 29 is equals to a plus 28d. Now a की वैल्यू क्या है, 8. So a 29 is equals 8 plus 28 and common difference is 2. So a 29 is equals to 8 plus 56. So a 29 is equals to 64. This is your a 29. So a 29th is the 68th four. Now this type of question are also important. अब एक बार फिर से देख लीजिए, a 3 given था हमें, a 50 given था हमें, find करना a 29. तो हम हमेशा क्या करेंगे, इनको general form में लिख देंगे ap की, a plus 2d and a plus 49d. और इन दोनों equations को solve करके आप common difference और a की value first term find करेंगे. अब आपको first term पता है और common difference पता है, तो उसके बाद में आप जो भी required term है उसे आप find कर सकते हैं. a plus 28d लिख सकते हैं 29 term को, और a की जगह 8 put करेंगे और d की जगह 2 put करेंगे, और इसे further solve करने के बाद हमारे पास हमारा result आ जाएगा. तो ये थे आपके second type के questions general form में. Now हम बात करते हैं third type के questions की. थर्ड टाइप के क्वेश्चंस में आपको ये फाइंड करना है कि जो गिवन नंबर है वो इस एपी में लाई कर रहा है या नहीं, दैट मींस वेदर इट इज इन द एपी और नॉट. दैट मींस द गिवन टर्म इज द टर्म ऑफ एन एपी और नॉट. नाउ सपोज क्वेश्चन इज, एपी इज गिवन 3, 7, 11 एंड सो ऑन. And you have to check whether 184 is, you have to check whether 184 is term of this AP or not. That means आपको AP given है और एक टर्म गिवन है, हमें ये चेक करना है कि जो आपका 184 है वो इस एपी का पार्ट है या नहीं है. दैट मींस ये 184 कोई टर्म है इस एपी की या नहीं है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें ए गिवन है, ए इज 3, कॉमन डिफरेंस इज आल्सो गिवन, 7 माइनस 3 इज 4. नाउ ए गिवन है, फाइंड कर लिया हमने, और डी भी फाइंड कर लिया, हमें चेक करना है 184. That means 184th is the term or not. तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अगर ये कोई टर्म है तो हम उसे फाइंड कर सकते हैं कि इसमें अगर 184 is there, तो आपका जो n होगा, number of terms होगी, वो क्या होगी, natural होगी. That means n की कोई एक particular value होगी. That means अगर हम an, that means last term मान लेते हैं AP की 184, मान लेते हैं कि हम ये 184 है वो आपका इस AP में आ रहा है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, an is equals to a plus n minus 1 into d. अब a n है आपका 184, a given है 3, plus n हमें नहीं पता, हम find कर लेते हैं and d. अगर n आपका एक perfect natural number आ जाता है, that means ये जो आपका digit होगा वो AP में होगा. अगर नहीं, तो क्योंकि number of terms हो सकती है, वो हमेशा एक natural number होगी, कभी भी decimal में नहीं होगी. आपको ऐसा कभी नहीं find करने को आएगा कि find the 5.5 term, 6.5 term, no. Every time you will be getting 10th term, 12th term and all.
सो हमेशा आपकी जो n की वैल्यू होगी वो एक क्या होगी, नेचुरल नंबर होगी। तो हम इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, 184 4n माइनस 4, सो 184 3 माइनस 4 इज माइनस 1, नो इट विल बी 184, माइनस 1 को ट्रांसफर करेंगे ये प्लस 1 हो गया है एंड 4n। नाउ 184 प्लस 1 इज 185 एंड 4n, सो 185 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू n। नाउ 185 4 से डिविजिबल नहीं होता है बिकॉज 4 4 इज 16 एंड 4 6 इज 24, 14 46 पॉइंट n की वैल्यू आ रही है आपकी 46 पॉइंट समथिंग, 46.2 और समथिंग। ओके, तो इस केस में जो आपके नंबर ऑफ टर्म्स हो सकती है वो क्या कभी डेसिमल में हो सकती है? नो, बिकॉज n शुड बी अ नेचुरल नंबर। सो 184 इज नॉट एन टर्म इन एन एपी, 184 है वो आपका एपी में लाए नहीं करेगा क्योंकि n आपका डेसिमल है और n होगा नंबर ऑफ टर्म्स होगी वो हमेशा क्या होनी चाहिए, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। ओके, नाउ वी विल बी डूइंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। Now we have to find the number of digits or the number of terms, number of two digit terms divisible by seven. That means आपको number of terms find करनी है, two digit term digits जो आपकी seven से divisible है। That means आपका जो first number जो 7 से divisible होता है वो 7 itself है, उसके बाद में 14, 21 and so on। Now अब देखिए आपको ये find करना है कि ऐसी 2 digit numbers कितने हैं जो आपके 7 से divisible है। तो उस केस में आपका ये single digit है तो ये आपके AP की जरूरत नहीं होगी क्योंकि आपको कहाँ से start करना है, 2 digit number से। तो फर्स्ट टू डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7 इज 14। नाउ लास्ट टू डिजिट नंबर इज 99, सो 99 है वो आपका 7 से डिविजिबल होता है? नो, तो हम क्या करेंगे उससे पहले वाला चेक करेंगे, 98, एंड 98 इज डिविजिबल बाय 7, सो जो आपका लास्ट टर्म होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 98। नाउ आपको फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ टू डिजिट टर्म्स, दैट मींस n की वैल्यू फाइंड करनी। तो आपकी ये एक एपी हो गई है 14, 21 अप टू 98, टू डिजिट नंबर्स। नाउ सो फर्स्ट डिजिट इज 14, दैट मींस ए वैल्यू इज 14 एंड कॉमन डिफरेंस इज 7। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी। नाउ हमने ए की फॉर्मूला पढ़ा है जनरल टर्म का, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन मीन्स एन एट टर्म कौन सी है इसमें टू डिजिट नंबर में, 98, दैट मीन्स लास्ट टर्म एन एट टर्म इज 98, ए इज 14 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड करना है और डिफरेंस है वो आपका 7 का। नाउ 98 इसे हम फर्दर सॉल्व कर लें, सो 14 प्लस 7 एन माइनस 7, ओके सो 98, 14 माइनस 7 इज 7, 7 प्लस 7n, सो 98, यहाँ से हम 7 कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा n प्लस 1, 7n प्लस 1, 7 इंटू n इज 7n एंड 7 इंटू 1 इज 7। नाउ 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 98 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल्स टू n प्लस 1। नाउ 7 वन ज़ा 7, 7 फोर ज़ा 28, सो 14 इज इक्वल्स टू एन प्लस 1। नाउ 1 यहाँ ट्रांसफर होगा तो ये माइनस हो जाएगा, सो n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में, 14 माइनस 1,
सो नंबर ऑफ टर्म्स आर 30. सो ऐसे टू डिजिट्स नंबर जो आपके 7 से डिविजिबल हैं, तो उनकी कितने हैं वो आपके 13. टोटल नंबर ऑफ टू डिजिट नंबर्स व्हिच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7 आर 13. ओके, नाउ तो फर्स्ट आपको हमेशा क्या करना है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है. आपको यहाँ पे बोला गया है कि टू डिजिट टर्म्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 7, तो उस केस में आप फर्स्ट टू डिजिट टर्म क्या है आपका 14 है, तो उस केस में आप 7 को इग्नोर करेंगे क्योंकि हमें क्या बोला गया है, टू डिजिट नंबर. और लास्ट क्या होगा आपका 98, क्योंकि इसके बाद में 99 है लास्ट आपका टू डिजिट नंबर और वो 7 से डिविजिबल नहीं है. और उसके बाद में अगर बात करते हैं तो वहाँ से थ्री डिजिट नंबर्स आपके स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उससे छोटा नंबर ढूंढना होगा. और 98 ही ऐसा नंबर है, लास्ट टू डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7. और उसके बाद में हमारे पास an का फॉर्मूला यूज़ किया है, a और d की वैल्यू हमने फाइंड की है और n हमें कैलकुलेट करना था. ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से कंटिन्यू करेंगे. होप सो जो मैंने पढ़ाया है आपको वो आपको समझ में आया होगा. नाउ अगर आपने अभी तक स्कूल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर प्रेस कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जो भी आपके लेटेस्ट नोटिफिकेशंस होंगे, लेटेस्ट लेक्चर्स जो भी अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा. थैंक यू स्टूडेंट्स.